राष्ट्रीय परशुराम सेना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें 26 अगस्त को राष्ट्रीय परशुराम सेना के स्थापना दिवस के मौके पर वर्चुअल कवि सम्मेलन के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुनील पीढ़ी ने बताया कि इस मौके पर कवि सम्मेलन में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कवि अमित शर्मा नोएडा, रुचि चतुर्वेदी आगरा, तुषार शर्मा मेरठ से, जनार्दन पांडे प्रचंड बंगलेरू, नवल जयदीप पांडे अयोध्या से, आदर्श जौनपुरिया जौनपुर काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय परशुराम सेना की ऑफिशियल पेज राष्ट्रीय परशुराम सेना भारत पर कवि सम्मेलन को 26 अगस्त दोपहर 2 बजे से देखा जा सकता है। प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर कटारा ने बताया कि राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हास्य और श्रृंगार के साथ समसामयिक मुद्दों पर काव्य पाठ होंगे। बैठक में शहर अध्यक्ष पीयूष जयशंकर टाइगर, पूर्व सैनिक एवं जिला प्रभारी विनोद कुमार चतुर्वेदी उपस्थित रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए भरतपुर से संवाददाता कृष्णकांत शर्मा की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय परशुराम सेना राजस्थान। 26 अगस्त संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन ने तय किया है कि 26 अगस्त को स्थापना दिवस के मौके पर एक राष्ट्रीय स्तरीय वर्चुअल कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाए। इस कवि सम्मेलन में वीर रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय जनार्दन पांडे जी प्रचंड साहब बेंगलोर से, वीर रस के अंतर्राष्ट्रीय कवि और मंच संचालक मेरे छोटे भाई अमित शर्मा नोएडा से, मेरी बहन रुचि चतुर्वेदी आगरा से, राष्ट्रीय कवित्री बहन तुषार शर्मा मेरठ से और नवल जयदीप पांडे जी अयोध्या से, भाई आदर्श जौनपुरिया जी जौनपुर से इस वर्चुअल कवि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये कवि सम्मेलन संगठन के ऑफिशियल पेज राष्ट्रीय परशुराम सेना भारत पर प्रसारित किया जाएगा। मेरा संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्यगण और जनता जनार्दन से निवेदन है कि 26 अगस्त दोपहर 2 बजे से वर्चुअल कवि सम्मेलन का आनंद लें, कवि सम्मेलन को सुने। इस कवि सम्मेलन में वीर रस, हास्य रस और श्रृंगार रस के कवि भाग ले रहे हैं, तो अधिक से अधिक वर्चुअल कवि सम्मेलन का हिस्सा बने और कवियों को सुनकर लुत्फ उठाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।